उजाला, देखो उजाला, मैं तुम्हारे दुख और ज़हनी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर तुम अफान को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहती हो तो रख लो, मैं सोबिये से बात कर लूंगी। ये भी तो तुम्हारे बेटे की तरह है ना, अगर वो जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। देखो, तुम जो महसूस कर रही हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जा सकती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, ले। ये क्या है? ये आफान की डीएनए रिपोर्ट्स हैं, जिससे साबित होता है कि ये मेरा बेटा है। मैंने आप लोगों पर भरोसा किया, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये डीएनए रिपोर्ट जाली है, मुझे लगता है कि कोई हमारा दुश्मन तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मेरी बात समझो, ये साजिश है। साजिश? साजिश ये नहीं, साजिश वो थी जो आप लोगों ने की मेरे खिलाफ। कितने मुनाफिक हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है सबिया बेगम, इसलिए इससे पहले कि मैं मजीद एहतराम की हदें पार करूं, आप यहां से चली जाइए।